नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत बड़ी न्यूज आपके सामने। कल ही वीडियो में मैंने बताया था कि 10 मास दिन वेट कीजिए, मगर 2 दिन के इंतजार के बाद ही आपका रिजल्ट आ गया है CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2019 का, जो 2 माह पहले एग्जाम लगा था। 429 पोस्टों के लिए आप में कंपिटिशन था, उसका रिजल्ट आ चुका है। अब आपको टाइपिंग में लग जाना है, टाइपिंग में भी बहुत जबरदस्त तरीके से, क्योंकि अब होने वाला है महातांडव, क्योंकि कंपटीशन बड़ा हार्ड है और मेरिट भी जो आकलन था उससे भी ऊपर गई है। तो ये देख लीजिए पढ़ने वाले बच्चों की क्या हालत रही होगी। थोड़ी सी पहले कट ऑफ पर बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रही क्या नहीं रही, तो चलते हैं। ये देखिए कट ऑफ के लिए, ये एक बच्चा है, उसके नॉर्मलाइजेशन करने के बाद 77.962 अंक है, मगर इस बच्चे ओबीसी से है ये बच्चा। मैं आपको बता दूं, ओबीसी से है ये बच्चा रह गया है, और ओबीसी की कट ऑफ देखें तो 79.9427 है। ये मेल की है, ये क्या है, मेल की है, जबकि आप यहां से फीमेल की देखोगे तो 76.93 है। यानी कट ऑफ जो है ना 80 के आसपास गई है, और जैसे ही जर्नल की आप कट ऑफ देखोगे मेरे साथियों, तो जर्नल में 79.9427, यानी दोनों ओबीसी और जर्नल की जो मेरिट है ना वो बराबर गई है। मगर जो जर्नल में कैंडिडेट पास किए गए हैं वो 2045 है, जबकि ओबीसी में कैंडिडेट 1951 कैंडिडेट पास किए गए हैं। फीमेल की बात करूं तो फीमेल की इससे 3 नंबर कम कट ऑफ गई है, यानी फीमेल और मेल में टक्कर देखिए। ये कहते हैं ना फीमेल की कम जाती है मेल की ज्यादा, टक्कर 76, 257 लड़कियों को पास किया गया है, जबकि ओबीसी में 76, दोनों यहां पर भी सेम हुई है, और 143 लड़कियों को पास किया गया है। जो एलडीसी की पोस्ट थी उसकी 51% गई है, 410 बच्चों को पास किया गया है, और ओबीसी में 46.47, ओबीसी थोड़ी कम है 46.47 है, और 206 बच्चियों को पास किया गया है, जो लोगों को पास किया गया। ऐसी कैटेगरी की कट ऑफ भी बहुत ऊपर गई है, 76.93 गई है, जबकि फीमेल की 72.20 गई है, जबकि एलडीसी में 40% के साथ गई है, 40 से जो है उसके साथ गई है, और कैंडिडेट 598 पास किए गए, 63 पास किए गए। ऐसे ही एसटी कैटेगरी की देखें तो 71.32 गई है, जबकि फीमेल की देखें तो 65.76 गई है, और कैंडिडेट 489 पास किए गए हैं, और यहां लड़कियों को 40 पास किया गया है। एक्स सर्विसमैन की है ना 36.44 गई है, और यहां 54 कैंडिडेटों को पास किया गया है। ये कट ऑफ गई है 2019 की, किसकी भाई साहब, 2019 की CISF मिनिस्टर और हेड कांस्टेबल की जो भर्ती थी उसकी। अब आप इससे आकलन कर सकते हो मेरे दोस्तों, इससे आप आकलन कर सकते हो कि 2022 की भर्ती है, कौन सी, 2022 की, इसकी कट ऑफ का आकलन आप अपने आप ही कर सकते हो, क्योंकि ये जो एग्जाम लगी है ना मेरे दोस्तों, ये एग्जाम 2 माह पहले लगी है। कब लगी है, 2 माह पहले। अगर 2 माह पहले बच्चों की तैयारी है ना सेम सी है, बस कुछ कैंडिडेट निकल के बाहर गए, कुछ कैंडिडेट निकल के बाहर गए। अगर 2022 की तैयारी कर रहे हो आप, तो अब आपका अक्टूबर है, 30 अक्टूबर से एग्जाम है, 30 अक्टूबर को एग्जाम है, अरे एग्जाम कब है, 30 अक्टूबर को है या नहीं ये बताओ आप तो मुझे। अब आपका एग्जाम 2022 का जो एग्जाम है वो कब है, 30 अक्टूबर को है 2023 में, ये एग्जाम आपका ऐसी है। अब इसकी कट ऑफ का आकलन आप अपने आप लगा सकते हो कि 2019 की कट ऑफ जो जा रही है वो 79 गई है भाई साहब, 79 मेल की और फीमेल की 76 गई है। ये आपको साफ साफ दिख रहा है, ओबीसी और जनरल की, ओबीसी और जनरल की कोई अंतर नहीं है। तो अब की बार इसकी जो कट ऑफ बनती है, तो आप ये तो मान के चल रहे हो कि 80 प्लस है, अरे बताओ 80 प्लस है या नहीं है। अगर 80 प्लस कट ऑफ है, यहां पदों की संख्या कितनी थी, 429 थी भाई साहब,
कितनी थी 429 थी। तो अब यहां 80 प्लस कट ऑफ है, तो आपके पास आज है 21 अक्टूबर और आपके पास भाई साहब अब बचे हैं मात्र कितने दिन, 10 दिन। कितने दिन बचे हैं, 10 क्या 9 ही है, 9 दिन। ये 9 दिन बचे भाई साहब आपके पास। अब आपको क्या करना है कि डेली के, मैं कह रहा हूं रोजाना, रोजाना दो प्रैक्टिस सेट मारने हैं, दो पेपर क्या करने हैं, हल करने हैं मॉर्निंग और इवनिंग में। अपने को इस 9 दिन में लगभग आप 20 पेपर तो कर ही दें, आप 20 पेपर तो कर ही सकते हैं भाई साहब 2 दिन में। तो ये आपके लिए बहुत लाभ करेगा, क्योंकि इससे कट ऑफ को देखते हुए, जो इस साल वाली कट ऑफ है ना भाई साहब, इसको देखते हुए रोंगटे खड़े कर दिए सभी ने, इसको देखते हुए रोंगटे खड़े कर दिए। अब 2022 वाली की कट ऑफ है, ये कट ऑफ 80 प्लस तो रहेगी रहेगी। तो आप तैयारी पर विशेष ध्यान दें, जो बच्चे हैं जबरदस्त तरीके से आप तैयारी करें, जहां से भी मॉडल रैच पेपर मिले और मिले उसकी बड़ी तैयारी करें। ये आपकी कट ऑफ आपको है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने ऐसे कि ऐसे दे दिया है, ये 2019 की कट ऑफ है, तो आप इसको देख सकते हो। 2019 के कैंडिडेट के 429 पदों पर जो भर्ती करवाई गई थी उसकी कट ऑफ है। इस कट ऑफ को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जबरदस्त कट ऑफ गई है। और इस देखो, अगर बच्चा जो फेल होता है ना भाई साहब, 77.962 ये अंक आने के बाद बच्चा फेल होता है ना, और ये सारे मार्क है ना नॉर्मलाइजेशन करने के बाद है, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद है। तो इस चीज को भी आप समझ सकते हो नॉर्मलाइजेशन के लिए। अगर आप अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हो तो CISF की जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूं, वहां जाकर आप आराम से चेक कर सकते हो। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर जरूर करें कि सब बच्चों तक पहुंचे। और जो 2022 वाले बच्चे हैं, 2022 वाले बच्चे हैं, इनके लिए मैं एक कह रहा हूं 5 दिन की एक मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं, मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं रीजनिंग की, लगभग 5 घंटे की। तो उसका अनाउंसमेंट मैं है ना शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा कि किस तारीख को रहेगी, और वो क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी और बता देता हूं, ठीक है। तो इसी के साथ अलविदा चाहते हैं, जय हिंद जय भारत।